हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि सिंह। तो आज हम लोग बात करेंगे एक तेलुगु मूवी जिसका नाम है मनु। अब ये मूवी का रिव्यू करने के लिए मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर जिनका यूट्यूब आईडी नेम है चौधरी बीकेसी, बेचारे कई महीनों से बोल रहे थे कि भाई इस मूवी का रिव्यू करो, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था। लेकिन फाइनली मैंने अभी टाइम निकाल के इस मूवी को देखा। तो ये मूवी मुझे कैसी लगी चलिए आपको इस वीडियो में बताता हूँ। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो यहाँ पर आपको इंडियन, अमेरिकन, स्पेनिश, टर्किश और साउथ की फिल्में हो या जो भी अच्छा कंटेंट हो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन कर दो प्रेस यार। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी की जिसका नाम है मनु। इस मूवी को प्रोड्यूस किया क्राउड ने, यानी कि पब्लिक ने इसको प्रोड्यूस किया। उसके अलावा अगर आप इस फिल्म को देखो तो फिल्म के स्टार्ट में ऐसा लिखता है प्रोड्यूस बाय द क्राउड। उसके अलावा 115 प्रोड्यूसर है इस मूवी के, हमें नाम देखने को मिलते हैं। अब 115 या उससे कई ज्यादा वो मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता। फिलहाल तो 115 लोगों के नाम देखने को मिलते जो कि अपने आप में बहुत ही यूनिक बात है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं ये मूवी की लेंथ है करीब 3 घंटे। तो आप लोग सोच रहे होंगे 3 घंटे लंबी फिल्म, तो क्या ये वाकई में वर्थ वॉच है? तो मैं आपको बोलूं डेफिनेटली ये वर्थ वॉच है। क्योंकि जब ये फिल्म स्टार्ट होती है, स्टार्ट का 1 घंटा मैं सोच रहा था सर खो जाते यार ये मूवी देखने का डिसीजन सही लिया या गलत लिया, क्योंकि सीन्स तो हो रहे, देखने में अच्छा भी लग रहा है, लेकिन कुछ ट्विस्ट नहीं आ रहा कुछ नहीं, और कुछ कुछ सीन्स तो सर के ऊपर से बाउंस हो रहे। लेकिन जैसे 1 घंटा गुजरा इतना जबरदस्त ट्विस्ट आया कि उस ट्विस्ट के बाद पूरी फिल्म ही बदल गई। मैं सोच रहा था ये नॉर्मल थ्रिलर मूवी है, लेकिन जब वो ट्विस्ट आया है, वो ट्विस्ट ने पूरी फिल्म को जिस तरह से घुमाया ना, उसके बाद बैक टू बैक ट्विस्ट। और जो स्टार्टिंग का 1 घंटा जो आपको बोर होता है, आप सर खुजाते हो या सोचते यार काय के लिए पिक्चर देख, लेकिन वो जो 1 घंटे में जो चीजें बताई ना, वो एक्चुअली आपको फिर बाकी के जो 2 घंटे उसमें आपको समझाएंगे कि ये सीन इसलिए था, ये सीन इसलिए था। और तब जाके मैं कह सकता हूँ कि ये मूवी तेलुगु इंडस्ट्री की वन ऑफ दी बेस्ट मूवी है। मैं तो बोलता ये मास्टरपीस है, और मैं डेफिनेटली कह सकता कि ये तेलुगु सिनेमा की वन ऑफ दी कल्ट मूवीज में से एक है जिसका नाम है मनु। इसका पूरा श्रेय जाता है इसके डायरेक्टर और राइटर जो कि अरविंदर नरशेट्टी, उन्होंने इतना जबरदस्त डायरेक्शन किया। मुझे तो समझ में आ रहा है कि इसका एडिटिंग किस तरह से की होगी, मतलब ये एक हॉलीवुड लेवल की फिल्म है। आप लोग क्रिस्टोफर नॉलन सर का नाम तो सुने होंगे, किस तरीके से धमाकेदार और एक ऐसी फिल्म बनाते हैं कि इंसान का पूरा दिमाग घूम जाता है। और फिर उसके बाद जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है उनकी आपको हर एक चीज समझ में आती है, हाँ ये चीज इसलिए हुई थी। बिल्कुल ये फिल्म भी आप देखोगे तो आपका दिमाग कुछ इसी तरह से घूमेगा। मैं आपको कह सकता कि ये मूवी डेफिनेटली हॉलीवुड मूवी को टक्कर देती है। ऑल्दो ये मूवी बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ये एक ऐसा सिनेमा है जो कि मैं कह सकता आर्ट है। देखा जाए तो सिनेमा एक्चुअली आर्ट ही था, लेकिन उसके बाद कमर्शियल चीजें आने के बाद उसका मजाक बना के रख दिया। लेकिन आज भी कुछ ऐसे फिल्म मेकर है जो वाकई में ऐसी फिल्म बनाते जो देखने लायक होती है, और ऑडियंस अगर अपना 3 घंटा डाल रही है उनका टाइम जो है ना कहीं से वसूल होना चाहिए। तो बिल्कुल ये मूवी वसूल करती है, एकदम जबरदस्त स्टोरी है। ऑल्दो इस फिल्म में कुछ लूप्स होल्स हैं, ये मूवी स्टार्ट में जो 1 घंटा है वो काफी स्लो महसूस होता है। इसके अलावा ये मूवी की जो लेंथ है 3 घंटा वो मुझे थोड़ा ज्यादा लग रही थी। आज की तारीख में लोग 2 घंटे की मूवीज देखना पसंद करते, लेकिन ये मूवी 2018 में बनी थी, फिर भी ये मूवी जो 3 घंटे की, तो इस हिसाब से इस मूवी का आधा घंटा अगर कहीं से ट्रिम कर देते या तो ये फिल्म और भी ज्यादा अच्छी होती। परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, राजा गौतम और चांदनी चौधरी ये हमारे इस मूवी के मेन एक्टर है। उसके अलावा इसमें आपको थोड़े 3-4 कैरेक्टर्स और देखने मिलेंगे, और उसके अलावा कोई भी नहीं दिखने मिलेगा। ये बेसिकली 5-6 लोगों का ही खेल है पूरी फिल्म में, और 3 घंटे में आपको यही कुछ कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे, इनके ही इर्द गिर्द पूरी कहानी बना दी गई। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि डेफिनेटली अगर आपने मनु मूवी नहीं देखी तो आपने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी चीज को मिस कर दी हो। तो इस मूवी को जरूर देखना, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी, वो भी इंग्लिश सब टाइटल। मैं इस मूवी को अगर रेटिंग दूंगा, आज किसी व्यूअर ने मुझे कहा कि भाई आप रेटिंग भी दिया करो, तो मैं इस मूवी को 5 में से 4 दूंगा। 1 पॉइंट इसलिए काट रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी ज्यादा लगी। उसके अलावा जो स्टार्टिंग का 1 घंटा था वो कुछ ज्यादा मुझे स्लो लग रहा था। ऑल्दो उसमें चीजें तो हो रही थी, लेकिन वो एक ऑडियंस का जो इंटरेस्ट होता है ना, वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं उस 1 घंटे में मर जाता है। लेकिन अगर वो 1 घंटा किसी ने देख लिया था उसके बाद, तो भाई ये मूवी एक नेक्स्ट लेवल में चले जाती है। अगर आपने मनु मूवी ऑलरेडी देख चुके हो तो आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस था वो भी मुझे शेयर करना। और अगर हाँ आपको ये मूवी समझ में नहीं आती तो 2-3 बार देखना, क्योंकि ये मूवी को हर एक सीन को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, दुआ में याद रखना।